बोल बम बम महादेव देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु केतु पर्वत के बारे में राहु और केतु पर्वत पर में अगर बन रहा है ये चिन्ह तो छह महीने के अंदर में अतुल धन प्राप्ति का योग बनेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहु पर में अथवा सिर्फ केतु पर में दोनों में से किसी पर में भी अथवा दोनों पर में अगर ये चिन्ह बन रहा है तो अतुल धन प्राप्ति के योग अथवा जो युवा हैं पुलिस सेना फौज वगैरह में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए पुलिस सेना फौज में जाने का भी योग बन जाएगा उनका भी भाग्य जो है खुल जाएगा सबसे पहले रेखाओं को समझ लें कि राहु और केतु पर्वत कौन सा है देवी और सज्जनों ये जो क्षेत्र है ये राहु का क्षेत्र है ये ये राहु का क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है ये ये केतु का क्षेत्र ये राहु क्षेत्र जो राहु लिखा हुआ है ये केतु क्षेत्र जो केतु लिखा हुआ है इसके प्रभाव को समझेंगे इसके ऊपर बनने वाले निशान चिन्ह रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे आइए समझते हैं सजनो, राहु अथवा केतु पर्वत पर में अगर सिंगल लाइन यहाँ पर में आपको दिखाई दे रही है यहाँ अथवा यहाँ दोनों में किसी पर या दोनों पर में तो इसका अर्थ आप समझ लें कि ये व्यक्ति बहुत साहसी है इसके अंदर साहस बहुत है इसके अंदर पराक्रम बहुत है ये किसी भी काम को करने में सक्षम है चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना उत्पन्न हो जाए ये परिस्थिति से घबराने वालों में से नहीं है बहुत ही साहसी व्यक्ति है अच्छा अगर यहाँ पर में एक से अधिक रेखाएं जैसे एक है मान लो कि दो तीन एक से अधिक रेखाएं अगर यहाँ पर में दिखाई दे चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो किसी भी क्षेत्र कैसे भी करके हो एक से अधिक अगर रेखाएं एक तो आपने ये समझ लिया इस प्रकार से और आपको मैं बता दूं कि चलो अब इस प्रकार समझ लो ऐसे रेखा हो या जरूरी नहीं ऐसे भी अगर रेखा है तब भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर मैं अगर एक से अधिक रेखा राहु अथवा केतु पर्वत पर में बना हुआ है तो इसका अर्थ आप सीधा समझ लें कि इस व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है ये व्यक्ति बहुत कुशैल है ये छोटी छोटी बातों पर में बहुत गुस्सा करने वाला है ये व्यक्ति आप देखेंगे कि एक छोटी सी बात है एक छोटी सी समस्या कुछ नहीं है फिर भी जो है सो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा गुस्सा गुस्सी करने के लिए तैयार हो जाएगा स्थिति जो है सो so, विपरीत हो जाएगी देवी और सज्जनों अब अगले पॉइंट को समझ अगर जो है सो so आपस में कोई रेखा यहां कटती हुई प्रतीत हो मान लो आप कि कोई रेखा ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है और कोई रेखा यहाँ से इसको काट दिया अथवा यहाँ से इसको काट दिया कैसे भी करके अगर रेखा यहाँ से कटती हुई प्रतीत होती है राहु क्षेत्र में या केतु क्षेत्र में दोनों आमने सामने हैं तो आप ये मान करके चलें कि आपस में कटती हुई रेखा अर्थात उत्तरदायित्वहीनता यानी कि उत्तर दायित्व का जो है सो पालन ना करना उत्तरदायित्व की स्थिति जो है सो सही तरीके से ना समझना अथवा समझ करके भी अनसुना कर देना यानी कि राहु केतु पर्वत पर में रेखाओं का कटना जो है सो ये अच्छा संकेत नहीं जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा हो ये समझ लें कि ये व्यक्ति उत्तरदायित्वहीन तो है अगर किसी के राहु अथवा केतु क्षेत्र पर में बिंदु हो जाए जैसे ये बिंदु मैंने डाल दिया अगर ये इस प्रकार से कोई बिंदु छोटा सा भी या बड़ा सा भी कैसा भी करके अगर आपको इस प्रकार से कोई बिंदु दिखाई देता है तो क्या होगा देवी और सज्जनों बिंदु का अर्थ ये है कि आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है राहु या केतु क्षेत्र पर में अगर कोई डॉट दिखाई दे कोई बिंदु दिखाई दे तो ये समझ लें कि आने वाले छह महीने के अंदर में अच्छा ये बिंदु जितना गहरा होगा जितना डीप होगा आपका जो सफलता है आपकी जो सफलता है वो उतनी बड़ी होगी आप बहुत ही ज्यादा सफल से सफलतम व्यक्ति की ओर आपका इशारा होगा देवी और सजनों बिंदु के बाद अब दूसरे निशान को थोड़ा समझते हैं मान लीजिए कि आपके राहु और केतु पर्वत पर में कोई क्रॉस का निशान है यानी कि गुना का इस प्रकार से चिन्ह वहां अथवा यहाँ क्रॉस का चिन्ह जिस किसी भी व्यक्ति कि के राहु केतु पर्वत पर में क्रॉस का चिन्ह होता है उसको ये समझना चाहिए कि छह महीने के अंदर में उसके साथ बहुत बड़ी ठगी होने वाली है कोई व्यक्ति उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है ठगने वाला है और मान हानि का योग है उसके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है सो कमी के योग है आपके मान सम्मान में बहुत कमी होने वाली है आपको जो है सो ठगी का योग दिखाई दे रहा है देवी और सज्जनों क्रॉस के बाद अब हम बात करेंगे स्टार की मान लीजिए किसी के राहु केतु क्षेत्र पर में कोई स्टार बना हुआ है नक्षत्र का साइन है इस प्रकार से अगर देवी और सज्जनों किसी के राहु केतु पर्वत पर में नक्षत्र का साइन हो तो ये समझ लें कि वो व्यक्ति बड़ा लड़ाकू है उसे युद्ध क्षेत्र में बड़ा मजा आता है लड़ाई झगड़ा करने में उसे खूब आनंद आता है वो व्यक्ति झगड़ा प्रिय युद्ध प्रिय होता है स्टार के साइन के बाद अब जानते हैं कि साइन के बारे में तो रेक्टेंगल यानी कि वर्ग अगर इस जगह पर मैं स्क्वायर का चिन्ह कैसे भी बनता हुआ आपको राहु अथवा केतु पर्वत पर मैं दिखाई दे किसी भी प्रकार से अगर स्क्वायर वो बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है तो आप समझ लें कि, कि किसी बड़े आदमी के द्वारा राज्य सरकार केंद्र सरकार अथवा किसी बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई मान सम्मान मिलने का योग है कोई बहुत बड़ा मान सम्मान मिलने का योग है अगर देवी और सज्जनों किसी के राहु केतु क्षेत्र पर में कोई सर्कल का साइन यानी कि वृत्त का साइन बन रहा है कोई सर्कल बन रहा है तो क्या होगा सर्कल का साइन बनने के लिए अथवा किसी को अगर बन रहा है बहुत कम लाखों करोड़ों में से लोगों को बनता है अगर इस समय में जिसको बन रहा है वो ये समझ ले सर्कल का साइन बनने का मतलब कि उसे सेना में पुलिस में फौज में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में उसको बहुत बड़ा उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है वो व्यक्ति बहुत बड़े पद पर जाने वाला है जिसके भी राहु के केतु क्षेत्र में सर्कल का साइन बन रहा हो वो व्यक्ति बहुत जल्द छः महीने के अंदर में हायर लेवल पर में जाएगा हायर पोजीशन पर में जाएगा अगर किसी ने कोई एग्जाम दे रखा है तो ये समझ लो कि वो पास कर जाएगा एग्जाम जिसके वृत्त के साइन बन रहे हैं सर्कल के साइन बन रहे हैं वो निश्चित तौर पर में बहुत जल्द बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला है देवी और सज्जनों अगर किसी के राहु केतु क्षेत्र में ट्रेंगल का साइन बन रहा है इस प्रकार से किसी को अगर ट्रैंगल बन रहा है यहाँ पर में। तो ट्रेंगल बनने का राहु या केतु कहीं भी बन रहा है तो ये समझ लें कि महीने के अंदर में उसे अतुलित धन संपदा की प्राप्ति होने वाला है यानी कि लाख में होगा कि करोड़ में होगा कि अरब में होगा कहना मुश्किल है बहुत ही मोटा पैसा उसे प्राप्त होने वाला है देवी और सज्जनों लेकिन अगर किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ पर में राहु या केतु क्षेत्र पर में जाली का साइन बनता हुआ नजर आए जाली आप खूब समझते हो ये ऐसे लाइन आ गई ऐसे हो गया ऐसे हो गया ये सब जाली का साइन है यहाँ पर ये अथवा यहाँ पर जाली बन जाए यानी कि राहु केतु तो किसी भी क्षेत्र में अगर जाली का साइन बन रहा हो तो ये मान लें कि वो व्यक्ति बहुत जल्द दरिद्र होने वाला है उसके पास में पैसे की बहुत कमी होने वाली है रुपया पैसा धन दौलत उसका सब छीनने वाला है वो बिना पैसा वाला हो जाएगा अथवा गरीबों जैसे जीवन बिताने के लिए वो विवश हो जाएगा तो देवी और सज्जनों यही छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि राहु केतु पर्वत पर बन रहे हैं ये चिन्ह तो छः महीने के अंदर धन प्राप्ति के योग अथवा सेना में उच्च पद प्राप्ति के भी योग हमने आपको दोनों बता दिए और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जानकारी से अवगत करवाया आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है सेवन जीरो सिक्स टू सेवन फाइव सेवन डबल नाइन सिक्स इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना है जिससे आपको सही और एकूरेट जानकारी मिलेगी आपको याद रहे ये फ्री सर्विस नहीं है इसके कुछ शुल्क हैं चार्ज हैं जो आपको जमा करने पड़ेंगे देवी और सज्जनों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा अगर आपको पसंद आया अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद मातरम बोलिए राधे राधे